अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज हम 1 मई महाराष्ट्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस महाराष्ट्र दिवस को मनाने के साथ ही हमारे महाराष्ट्र में वसई विरार में लोग किस तरह की तकलीफ में है उसको हम दिखाने आए हैं। इस समय हम खड़े हैं नालासोपारा तुलिंज रोड के त्रिंबक सेट बंगलो है इसके पास। यहाँ हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनकी कुछ कंप्लेंस महानगर पालिका में है, उन पर चर्चा करेंगे और इनसे सीधे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। शाहिद सैयद सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे हम मुलाकात करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो सबसे बेसिक चीज़ और सबसे बेसिक मुद्दा है वसई विरार का, उसी मुद्दे पर हम यहाँ आए हुए हैं। सबसे अहम चीज़ है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए, हवा, पानी, जो प्राकृतिक चीज़ें जो हमें मिलती है। अब हवा को हमें खरीदना नहीं पड़ता है, लेकिन पानी, उसके कई 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 यहाँ हालात है। वसई विरार में पानी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है, काफ़ी बड़ी आवश्यकता है। इस समय पानी की कितनी तकलीफें लोगों को है और पानी का क्या विषय है, यही हम आपको दिखाने आए हैं। इस क्षेत्र में 2 दिनों पहले शनिवार को आखिरी बार पानी आया था, आज 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, वसई विरार महानगर पालिका का पानी अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर लोग पानी को लेकर त्रस्त है और ये पानी की हमेशा की यही फ्लक्चुएशन ऐसा ही रहता है, समय पर पानी कभी आता नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है। इसी सब चीज़ को लेकर शाहिद सैयद जी ने महानगर पालिका में पत्र व्यवहार किया है, शिकायतें की है, लेकिन महानगर पालिका वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है, इनकी किसी शिकायत के ऊपर गंभीर रूप से ध्यान दे रहा हो ऐसी बात कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो चर्चा करते हैं शाहिद जी से। शाहिद जी नमस्कार। नमस्कार शाहिद जी, क्या विषय है आपके इधर, पानी की क्या समस्या है, जरा बताइए। हमारे इधर पानी, पहले तो इनका कोई टाइम टेबल नहीं है और पानी आया तो उसमें फोर्स नहीं है, ये बड़ी तकलीफ है। कभी कभी 3-3 दिन पानी नहीं आता है, 4-4 दिन, रात को 2 बजे भी पानी आया है, 12 बजे भी, रात को 11 बजे भी, उसका कोई, और आया भी तो भी उसमें फोर्स नहीं है। मतलब किसी आप... का किसी को पानी किसी को पूरा नहीं मिलता है। मतलब आपका ये कहना है कि म्युनिसिपैलिटी का जो पानी है वो आपको समय पर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कंफर्म। आपने इसके बारे में कहाँ पे शिकायत की, क्या इसका आपको जवाब मिला है, बताइए। मैंने इधर प्रभाग समिति डी में सहायक आयुक्त को कंप्लेंट किया हुआ है, इनको कंप्लेंट किया हुआ है, और 6/12/2022 को किया हुआ है। कितने लोग इससे प्रभावित हैं, यहाँ कितनी जनसंख्या है? इधर तकरीबन 5.25 एकड़ का ये जमीन है, सबका यही हाल है। हमारे एरिया का तो है ही है, ये कंफर्म है, लोगों का होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन ये 5.25 एकड़ का है ही है। कितने घर है, कितने लोग हैं? कम से कम 1000 घर हो गए। पानी जब नहीं आता तो आपके पास में दूसरा पर्याय क्या है, आप पास पानी कहाँ से इस्तेमाल करते, कैसे पानी है? हमारे इधर थोड़ा एक हमको आसरा है, थोड़ा बोरिंग का आसरा है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे अंदर जाएंगे तो वो बोरिंग का भी नहीं है। तो बोरिंग का पानी, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बोरिंग का पानी पीने लायक नहीं होता है? नहीं नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो फिर आपके लिए पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे करके? नहीं तो फिर कैन लेके आओ, 30 रुपया खर्चा करके कैन लेके आओ, और क्या है। और आप जैसा बता रहे कि कुछ लोगों को बोरिंग का पानी भी नसीब नहीं है, नहीं, तो वो लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं पानी का? वही कैन ही लेते हैं, और क्या है। नहीं, उनको तो पीने के अलावा इस्तेमाल का जो पानी है नहाने धोने के लिए, हाँ, उसके लिए पानी के लिए उनकी क्या व्यवस्था है? नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था है, वो लोग कैसा गुजारा करते हैं खुदा जाने। आपकी क्या मांग है और आपने अपने पत्र में महानगर पालिका से क्या मांग की? एक टाइमिंग की, बाबा हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आएगा या रोज आएगा, वो टाइमिंग फिक्स होना चाहिए,
आधा घंटा आएगा, एक घंटा आएगा, वो फिक्स होना चाहिए और उसमें फोर्स होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट। अभी ये विंग का हमला हमारा है, उसका कनेक्शन वहाँ पे है, लेकिन ऊपर वालों को नहीं मिलता है पानी। थोड़ा बहुत हमको मिला तो मिला, ऊपर वाले को तो गलती से भी नहीं मिलेगा। और टाइमिंग नहीं होने के वजह से कि होता क्या है, जो लोग जो मियाँ बीवी दोनों काम पे जाने वाले, वो तो 100% बोरिंग के ऊपर और बिस्लरी के कैन के ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ अभी अकेले खड़े हैं, कोई आपके साथ में दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? क्या लोगों में डर है पॉलिटिकली? है, है। आपने अपनी समस्या के बारे में यहाँ के लोगों से बात किया क्या उनको, आज जब आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो क्या? नहीं, मैं इस बारे में कुछ लोगों का जो डर है वो उसके ऊपर मैं उनको भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ इस बारे में नहीं बोल सकता हूँ। मेरे पड़ोसी है वो लोग। किनका डर है, क्या डर है? उन्होंने खुल के तो मुझे बताया नहीं है, और मेरे को जो दिखाई दिया है वो भी मुझे, क्योंकि उनको तकलीफ हो जाएगी, इस बात का डर है मेरे। तो शायद से जिस हमने बात की, इन्होंने बताया कि यहाँ पानी न समय पर आता है न बराबर फोर्स में आता है। कभी आया तो रात को 12 बजे भी आएगा, और कभी नहीं आया तो दिन 3 दिन तक नहीं आएगा। आज भी ये बता रहे, आखिरी बार पानी कब आया था? सैटरडे सुबह में आया था। आज सोमवार है, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। अब किस तरह से यहाँ के लोग गुजारा कर रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहाँ लोगों की समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर हम आगे बढ़कर आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि कुछ लोग यहाँ नहीं, हर जगह पॉलिटिकल दबाव में या किसी ऐसे दबाव में बोलने से हिचकिचाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा आह्वान है कि जब तक हम अपनी माँ को भी ये नहीं बोलते कि मुझे रोटी या चपाती चाहिए, तब तक हमारी माँ भी हमें चपाती नहीं देती है। तो आपको बोलना तो पड़ेगा। आप जब आगे बढ़कर अपनी मांग करेंगे तभी आपकी मांग को सुना जाएगा। इसके लिए दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी ऐसी कोई आवश्यकता है तो उसके लिए आवाज़ तो उठानी होगी। हम ये नहीं बोल रहे कि आप किसी तरह का आंदोलन छेड़िए, आप किसी तरह का कानून हाथ में लीजिए, लेकिन कम से कम अपनी समस्या को बता तो सकते ही है। तो ये हाल ये है, आज फिलहाल हम इस क्षेत्र में हैं। इस पानी की समस्या को लेकर हम वसई के अलग 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 क्षेत्रों में हम एपिसोड आगे करने वाले हैं। वो एक निश्चित समय पर आपको चैनल को पर देखने को मिलेंगे। ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। अब समय आ गया है कि सेफ न्यूज़ लाइव इसको कुछ अलग तरीके से लेके जाने का है। लोगों की समस्याएं हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो दर्शकों, आपसे सहयोग की ज़रूरत है, आप सहयोग कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सहयोग ये है कि अपनी आवाज़ जो आप तक आपकी आवाज़ दबी हुई है उस आवाज़ को खोलिए, मीडिया के सामने कुछ जो आपकी तकलीफ़ हैं उसको बताइए, ताकि वो प्रशासन तक जाए और प्रशासन को ये वास्तव में एहसास हो कि वहाँ लोगों को इस तरह की परेशानियाँ हैं। अभी के लिए इतना ही। नाला सुपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर